बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 की विनर दिव्या अग्रवाल लंबे समय से अपनी शादी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। खबर है कि एक्ट्रेस इस साल अपने बॉयफ्रेंड अपूर्व पंडगांव के साथ शादी के बंधन में बनने वाली हैं। दिव्या ने खुद इस बात का ऐलान भी किया है। वहीं एक तरफ जहां दिव्या अपनी शादी की तैयारियां कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ देश में मालदीव बॉयकॉट की मांग की जा रही है। इसी बीच एक्ट्रेस ने भी इसे सपोर्ट किया है। दिव्या ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक फोटो पोस्ट की है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में बताया कि वो भारत में ही अपने बैचलर पार्टी से लेकर शादी और हनीमून भी मनाएंगी। इस पोस्ट के साथ दिव्या ने लिखा, मालदीव में जो कुछ हो रहा है उससे पहले मैं अपने ही देश में भारत में शादी करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। मेरी बैचलर्स पार्टी से लेकर हनीमून तक मैं सब कुछ भारत में ही करना चाहती हूँ। हमारे पास वो सब कुछ है जो बाकी दुनिया के पास है, समुद्र तट, पहाड़, जंगल, रेगिस्तान, हमारे खूबसूरत देश में मानसून से लेकर बर्फबारी तक पूरे साल सबसे अच्छा मौसम रहता है। भारत हर किसी का प्यार और सम्मान के साथ स्वागत करता है। हमें अतिथि देवो भव की शिक्षा दी गई है और हम ऐसा ही करते रहेंगे। वहीं एक तरफ दिव्या ने मालदीव के खिलाफ ये पोस्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद वो ट्रोल हो गई हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, इन्हें अपनी बात प्रूफ करने के लिए एक मालदीव की फोटो पोस्ट करने की जरूरत पड़ गई है क्या, क्या बात है। वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट कर लिखा, वाह दीदी वाह, इतनी लंबी बात करके पोस्ट वहीं की लगा रही हो। वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट कर लिखा, ऐसा तो विदेश जाना ही बंद कर दो। इस तरह कई यूजर्स ने दिव्या को मालदीव की फोटो शेयर करने पर ट्रोल कर रहे हैं। बता दें कि दिव्या अग्रवाल ने अपने बॉयफ्रेंड से साल 2022 में सगाई की थी। दोनों एक दूसरे को 7-8 सालों से जानते हैं। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।